अब बात करते हैं अकलतरा के प्राइमरी स्कूल की, जहां पर एक शिक्षिका अपने नए प्रयोग के लिए फिर से चर्चा में है। टागा गांव की प्राइमरी स्कूल की टीचर मधु कारकेल बच्चों को पढ़ाने से पहले क्लास की शुरुआत राजकीय गीत से करती हैं, जिसका असर ये हो रहा है कि बच्चे गीत में बताई गई चार प्रमुख नदियों, जिलों और आभूषण सहित राज्य की कई जानकारियां आसानी से सीख गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के प्रति बच्चों के अंदर सम्मान का भाव भी जागृत हो रहा है। मधु कारकेल ने इसके पहले भी जोड़ घटाना, शब्द भंडार और छुट्टा बैंक जैसे आसान तरीके अपनाकर बच्चों को पढ़ाती रही हैं, जिसके लिए उन्हें एक बार मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। हमने इसमें चार प्रमुख नदियाँ और सात जिले एवं छत्तीसगढ़ के अन्य आभूषण के बारे में सीखा। ये नवाचार तो है ही, लेकिन एक पहल है जिसके माध्यम से आज बच्चे राजकीय गीत को पूरा पूरा जानकारी हो गया उनके, और राजकीय गीत के साथ साथ चार प्रमुख नदियाँ एवं सात जिला एवं हमारे छत्तीसगढ़ के पुराने आभूषणों के बारे में बच्चों को ज्ञान मिल रहा है। तो आपको अकलतरा की खबर बता दें, टीचर यहाँ पर जो है शिक्षिका हैं, बच्चों को तरह तरह की चीजें सिखा करके उनके नॉलेज बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही हैं, और क्लास शुरू होने से पहले कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, राजकीय गीत उन्हें सिखाए जा रहे हैं, और भी कई जो नॉलेज की चीजें हैं बच्चों को सिखाई जा रही हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। अधिक जानकारी के लिए शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, बाकी शिक्षिका बहुत अच्छी पहल कर रही हैं, इससे बच्चों का नॉलेज भी बढ़ेगा और एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जी देखिए, ये जो शिक्षिका है मधु काकरेल जी, ये तागा गांव में प्राथमिक शाला में पदस्थ है, और ये बताना चाहूंगा कि नए नए नवाचार और नए नए तरीके से बच्चों को पढ़ाने में इनको ख्याति प्राप्त है कहना चाहिए। अभी पिछले दिनों ये मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित भी हुई हैं, और ये भी जो नवाचार कर रही हैं ये छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि राजकीय गीत जो अभी 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 घोषित हुआ हमारे यहाँ कुछ माह पहले ही, उसे इन्होंने चालू किया है, और जो प्रेयर होता है उसमें ये राजकीय गीत को शामिल किए हैं, जिससे बच्चे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि राजकीय गीत में जो है पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में ही है, उसके जो जिले हैं या फिर उसमें जो आभूषण है और नदियों के नाम है, सभी चीज वो हमने जाकर जब देखा तो हमें भी अच्छा लगा कि ये नया चीज है, और ये तो मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होना भी चाहिए ये चीज कहीं ना कहीं। और जब मैडम से हमने बात भी किया तो उनका भी कहना था कि काफी अच्छा, मतलब वो काफी ज्यादा प्रसन्न भी थी इस चीज से, तो हमने सोचा कि इसे बड़े स्तर पर उठाना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिल्ड्रन बैंक जो ये छोटा बैंक चलाती है चिल्ड्रन का, और इसमें भी इनको काफी अच्छा है, शब्द भंडार है इनके, चार्ट है, मतलब कहना चाहिए काफी। चलिए, एक सवाल है मेरा यहाँ पर, जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा इनको सम्मानित किया गया था पहले इनके काम की वजह से, अभी जिस तरह से नई पहल ये कर रही है, राजकीय गीत बच्चों को सिखा रही है, तो क्या ऐसा कुछ प्रबंधन आगे किया जाएगा, और कोई उनको और किसी चीज से नवाजा जाएगा? मैडम कोशिश तो लगातार जारी है। आपको रोकना चाहूंगी, राष्ट्र शिक्षा अधिकारी वेंकट रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हाँ जी बोलिए। ये राजकीय गीत सिखा के जिस तरह से शिक्षिका एक नई पहल कर रही हैं, किस तरह से इन्हें और आगे बढ़ाया जाएगा, और क्या और भी स्कूलों में इस तरह से पहल की जाएगी? हाँ, इसमें क्या है, हमने जिला को उसका भेजेंगे इसका रिपोर्ट पूरा जी, और जैसे ही जिला में स्वीकृत हो जाएगा तो दूसरे जिला के दूसरे इसमें चालू हो जाएगी स्कूलों में, और इस प्रकार से राजन चालू हो जाएगा जी। लगभग सर यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं, और किस तरह की शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है, और क्या क्या नई चीजें वहाँ पर सिखाई जा रही है शिक्षिका के द्वारा? नहीं, अभी आज की डेट में मेरे पास अपडेट जो है वही है, केवल उनका राजकीय गीत का है, उसने किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, और बच्चे सीख रहे हैं, अच्छे सीख रहे हैं, और गायन तो बड़े अच्छे से कर रहे हैं, और चुनाव के नाम में ज्यादा आप कुछ बोल नहीं पाऊंगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे शिक्षिका हमारे साथ जुड़ गई हैं, मधु जी जो खुद वहाँ पर पढ़ाती हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका मधु जी। जी धन्यवाद। बाकी बहुत सराहनीय पहल आप कर रही हैं, जिस तरह से बच्चों का नॉलेज आप बढ़ा रही हैं, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा रही हैं, आगे भविष्य में आगे बढ़ सके उनके लिए बहुत अच्छी पहल आप कर रही हैं।
जी धन्यवाद। किस तरह की पहल कर रहे हैं, क्या क्या बच्चों को सिखाती हैं, कितने बच्चे वहाँ पर उपलब्ध हैं और कितना वो संतुष्ट हैं? देखिए मैडम जी, हमारे स्कूल में तो 100 बच्चे हैं जी, लेकिन मेरे क्लास में 24 बच्चे हैं। उनको मैं पुस्तकी जो गतिविधि के द्वारा ही पढ़ाती हूँ, जैसे कि अभी नवाचार के नवाचार ही है वो, लेकिन एक पहल है राजकीय गीत, जैसे कि हम लोग स्कूल का शुरुआत राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ करते हैं, उसी तरह मैं क्लास की शुरुआत राजकीय गीत के द्वारा करवा रही हूँ मेरे बच्चों को। इसमें राजकीय गीत के प्रति उन लोगों के मन में श्रद्धा सम्मान की भाव उत्पन्न हो रही है, और राजकीय गीत के साथ साथ उन लोगों को चार हमारे प्रमुख नदियां हैं, 7 जिले हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के पुराने जो आभूषण, उनके बारे में भी उन लोगों को जानकारी हो रहा है उसमें। जी वाकई हाँ। बहुत अच्छी पहल कर रही हैं और उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपको पहले भी आसान तरीके अपनाकर आपने जो बच्चों को पढ़ाया था उसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया था, उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते रहें और आपको लगातार सम्मान भी दिया जाए, सम्मानित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गरीब